तुमको हम चंदन नहीं देंगे, तुम भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। कविराज इधर आओ। क्या है वहां ना 20,000 लोग आएंगे, अगर तुम्हारी कविता वहां पे रखवा दूं तो तुम फेमस हो जाओ। मेरी बीवी को रखवाएगा वहां पे? नहीं बीवी नहीं, तुम्हारी बोलने वाली कविता। अच्छा तो क्या होगा, फेमस हो जाओगे? नहीं नहीं, फेमस तो मैं हूँ, वहां जाऊंगा तो लोग मुझे जान जाएंगे। उसी को फेमस होना कहते हैं। अच्छा तो उसके लिए तुम्हें चंदा देना पड़ेगा। अरे तो चंदा कितना दे दूं? बस 21,000 में। क्या हुआ? अरे यार कोई 21,000 रुपए मांगेगा तो क्या होगा, अटैक जाएगा। सही बात है, थोड़ा कम करो भाई, 21,000 तो बहुत ज्यादा हुआ। कम कर देते, 15 दे दो फिर। 15 भी बहुत ज्यादा है यार, इतना कौन देगा? यार तुम्हारे पास 15,000 भी नहीं है। तुम गुस्सा बड़ा जल्दी हो जाते हो। अरे बैठो यार, अपना ठंडा 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 जाओ जाओ ठंडा लाओ, ठंडा लेके आ, ठंडा लाओ। सुनो सुनो सुनो। हाँ जी। इन कपड़े में तोता लग रही हो। मैं तो कहता हूँ कि वहाँ पे तुम्हारी रखाता हूँ कविता, उसके बदले में तुम मेरा 1 साल का किराया माफ कर दो। क्या हुआ? अरे यार किराया तो हम तुम्हारा माफ कर देंगे, पर ये हमको माफ नहीं करेगी। उसकी छोड़ो, तुम अपना फ्यूचर देखो। तुम कविता बोलोगे, कविता परफॉर्मेंस होगी, परफॉर्मेंस फ्यूचर, फ्यूचर सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी तो तुम तो फेमस हो जाओगे ना। क्या करना है, क्या करना है? तुमने वहाँ पे बोलनी है कविता। हाँ। और ऐसा करो यहाँ पे साइन कर दो। साइन फेमस। ये क्या किया तूने? बड़ा बन रहा हूँ ना तो बड़ा साइन कर रहा हूँ। तो ये तो एग्रीमेंट ही फाड़ दिया तूने। अरे कोई बात नहीं, चलता है, चलो। थैंक यू। सुनो रो नहीं, रो नहीं, वहां पब्लिक रोएगी, मैं जा रहा हूँ। अरे सुनिए। हाँ? भाई साहब कहाँ गए? उसको मैंने भगा दिया। चंदा वंदा तो नहीं दिया ना? अरे बिल्कुल नहीं दिया, बिल्कुल सही किया, बस एक छोटे से एग्रीमेंट पे साइन किया था रेंट वाला। ए भगवान, आपको समझ में नहीं आया, वो जागरण की आड़ में अपना रेंट माफ करवा के चले गए। मतलब? मतलब आप उल्लू बन गए। हम उल्लू बन गए? हाँ। इस घर में अकेला उल्लू। अपना सुनो। क्या? हम सोच रहे हैं कि जब हम उल्लू बन ही गए हैं। हाँ वो तो आप बन गए, क्यों ना इस घर में एक उल्लू का बच्चा आ जाए। भक्तो, इंसान भी भगवान से मांगता ही रहता है, जबकि उसका काम पेट भरना है, पेटियां भरना नहीं। लेकिन बाबा की दान पेटी खाली है, किसी भी तरह का दान देने से डरना नहीं। अब हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है लघु नाटिका का, और आज की लघु नाटिका का शीर्षक है तुम हमें वोट दो हम तुम्हें चोट देंगे। भाई कमाल की खबर छपी है इसमें कि सरकार द्वारा 500 और 1,000 का नोट बंद करने के बाद अब बाबा ने अपने हर्बल नोट छापे हैं, हैं? और वो सारे के सारे पीपल के पत्तों के ऊपर छपेंगे, और दोनों तरफ से पीपल का पत्ता तो एक जैसा ही होता है। कमाल की खबरें छाप देते हैं यार ये। वो तो एक काम कर, तू चाय तो बना ला एक कप। सुनिए जी, नहीं बन सकती चाय, चीनी नहीं है घर में। हमारी पड़ोसन है ना, हर सुबह आकर चीनी मांग कर ले जाती है, कहती है कि शाम तक दे दूंगी, अब चीनी वापस आएगी तभी बन पाएगी तुम्हारी चाय। भाई तुम एक बात बताओ, तुमने चीनी करनी क्या, तुम्हें तो वो शुगर है। हाँ तो जी, मुझे शुगर है तो तुम्हें कौन सा इस उम्र में नमक हुआ है, तुम्हें भी शुगर ही है। भाई जब हम दोनों को शुगर है फिर हम चीनी मंगवाते ही क्यों है? किस बात की मुसीबत है, चीनी की है ना, चीनी की। तो कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ, हर महीने चीनी की बोरी आपके घर पहुँच जाया करेगी जी। वाह बढ़ता हूँ जी, वाह बढ़ता हूँ। एक मिनट, पूरे आ गए हो या रहते हो थोड़े से पीछे? नहीं इतना ही उन्हीं जितना है। अच्छा 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 अच्छा, तो, अच्छा। मैं क्या बोल रहा था कि चीनी की नहीं केली, हाँ। आपकी दाल की, चावल की, गेहूँ की, जो जो आपको चाहिए लिस्ट बनाकर मेरे को दे दो, हर महीने आपके घर में पहुंच जाया करेगा जी। एक बात बताओ नेताजी, ये नेतागिरी छोड़ के राशन की दुकान खोल ली है? नहीं नहीं जी, बात ये है कि मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ जी। लो जी कमाल की बात है, पिछले 5 सालों में कुछ दिया है नहीं, आज मांगने के लिए आ गए हैं। चुप करो जी,
फ्री में राशन मिल रहा है। ओ भाई तेरे को तो फ्री में दूसरा पति मिल जाए तूने वो ले लेना है बताओ। पंच माता जी आपका आशीर्वाद चाहिए, आप मुझे वोट दो और मैं आपको करप्शन महंगाई और वो भुखमरी दूंगा। ये इनका बंद करने वाला बटन कहाँ पे है? देखो बेटा बटन तो आज तक मुझे नहीं मिला तो तुम्हें क्या मिलेगा। तो मैं कहता हूँ कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपके सारे वादे पूरे होंगे जी। अच्छा आपने लास्ट टाइम जब इलेक्शन होने वाले थे तो वादा किया था कि भाई 24 घंटे हमारी कॉलोनी में हमारे शहर में पानी आएगा। आप बताओ एक घंटे से ज्यादा पानी आता हो तरीका है? तरीका है क्या? अगर सांप घर में घुस आए और बाहर ना निकले तो पत्नी अगर पति का पांव धो के पी ले तो सांप तुरंत चला जाता है। लो शुरू हो जाओ। हम नहीं मानते। तो सांप आएगा मुझे यहाँ काटेगा, मैं गांज फेंकूंगा, मर जाऊंगा। तुम सफेद साड़ी पहनना सिंपल। सफेद वो तो मुझ पे सूट नहीं करती। चलो ठीक है मैं पैर ही धो लेती हूँ। दुनिया के किसी मर्द ने जो नहीं करवाया आज मैं वो करवा रहा हूँ, समझी बड़ी बिंदी। नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, आप कोई और तरकीब सोचिए। तो कोई और तरकीब क्या होता है? अरे अरे सपेरा को बुलाओ, सॉल्यूशन देगा तुमको। ऐसा थोड़ी है कि बगल में सपेरा दबा के रखा है। यूं करूंगा बाहर निकलेगा कहेगा फट आम फट। मैं यहाँ हूँ। अरे यार अरे इतना फास्ट सर्विस तो दुनिया में कहीं नहीं होता है। गेट पे खड़े होकर एंट्री का वेट कर रहे थे क्या? नहीं जहाँ मेरी जरूरत होती है मैं प्रकट हो जाता हूँ, जहाँ सांप वहाँ मैं। एक बार बताओ माँ कसम खा के बोलो सपेरा ही हो ना? हाँ हाँ। तो आप फट क्यों गया तुम्हारा? अब फट फट हो गया। अच्छा सपेरा जी आप सांप को पकड़ तो लेंगे ना? हाँ हाँ मैं सपेरा हूँ सपेरा, मैं बीन बजाऊंगा और सांप को वश में कर लूंगा, लेकिन उसके लिए 5,000 रुपए लगेंगे। अरे सांप काटता तो अटैक थोड़ी आता है पागल, 5,000 रुपए मांग रहा है, कुछ कम करो ना। आम फट। आम फट क्या? फिक्स प्राइस नो बार्गेनिंग। आप फटिए। सपेरा जी पैसे मैं आपको दे दूंगी, आप बस सांप को पकड़ लीजिए। आम फट। पकड़ लिया क्या? नहीं ऐसे पकड़ूंगा, तुम मुझे पैसे दो मैं कल आके सांप पकड़ता हूँ। अरे ओ नकली सपेरा, सोम बाजार को तुम नाइची बन के हमको बेवकूफ बनाता है, तुम आज पैसा लेगा और कल काम करेगा। हाँ, कल तक सांप ने अगर मुझे काट लिया तो मैंने तो अभी तक अपनी नई वाली साड़ी भी नहीं पहनी है। आप आज ही पकड़िए सांप। आज सांप को पकड़ना है तो उसके लिए पैसे डबल लगेंगे, 10,000। अरे एक मिनट यार, अबे तुम सपेरा हो कि लुटेरा हो? सपेरा। सपेरा ना, तो 10,000 क्यों मांग रहे हो यार? इससे तो अच्छा है सांप ही आके काट ले हमको। नहीं नहीं नहीं, आप 10,000 दे दीजिए ना। तुमको पता है 10,000 बहुत ज्यादा होता है, आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते। ला 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 ला। लो मरो। रुको रुको, इसको पैसे देने की जरूरत नहीं है, ये नकली सपेरा है। हाँ? नकली? ये पहले लोगों के घरों में नकली सांप छोड़ता है, बाद में उनको डरा धमका के उनसे पैसे लेता है। ये रहा इसका नकली सांप। अरे वो काट लेगा। काट काटता नहीं है, ये बड़ा क्यूट है। ये देखो देखो, ये कहां से तुमको लंबा मोटा काला लग रहा था पागल? हाँ क्या बोल रहे थे? आम फट। आम फट। क्या यार आज फंडे है, आज तो फन करने दो। तो मेरा भी तो फंडे है, मैं ना करूँ फन? सारा दिन बिल में बैठे बैठे लौटते रहो और तुम्हारे सपोलों को दूध पिलाते रहो। तुम्हारा क्या, तुम तो चले जाते हो बिल के बाहर डसने के लिए, मैं बिल में बैठी रहती हूँ, तुम्हारा वेट करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है यार, तुम भी वो सब छोड़ो, आओ बहुत बेहतरीन है गेम खेलते हैं। ये देखो ए, 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 देखो देखो ऐसा ही है, तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। कभी इतना भी नहीं हुआ कि बिल आते वक्त मेरे लिए फ्लेवर्ड मिल्क ही ले आओ। शादी से पहले मेरे लिए बकरी का दूध लाया करते थे तुम। डार्लिंग वो बकरी का दूध नहीं था, गाय का दूध था, फट गया था। पहले तो कोई भी सांप मेरी तरफ देखता था तो तुम उसे डस लेते थे, उसका बिल भर देते थे, और अब तो तुम्हारा मुझसे ही दिल भर गया है। तुम्हें याद भी है लास्ट टाइम कब हम साथ में लिपटे थे चंदन के पेड़ पे? और मैं कब से बोल रही हूँ मुझे नागालैंड ले चलो वेकेशन पे, पर तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है मेरे लिए, सुनते ही नहीं हो कभी। दिन भर कुत्तों की तरह फन मारो और ये सब सुनने को मिलता है। हाँ तो मैं भी बिल में सारा टाइम काम ही करती हूँ, तुम्हारे लिए मिल्क शेक कौन बनाता है? मिल्क शेक का नाम मत लाना, कितनी बार तुम उसमें जहर डालना भूल गई हो। वो तो मैं जानबूझ के नहीं डालती, ताकि आपको जहर बिटीज ना हो जाए, कहीं आपके दांत गिर गए ना तो खत्म हो जाएगा आपका डस्ट का दम। अरे जानू झगड़ा करना बंद करो, गेम खेलते हैं। गेम ही खेलते रहना तुम, कभी बीवी के साथ मत खेलना। तुम्हारा तो सारा रोमांस ही खत्म हो गया, पहले तो कभी हिस पे हिस करते थे और अब
अरे जानू, कल रात में सोने से पहले हिस तो किया था। हिस ही करते रहना, कभी किस मत करना। अरे यार, स्नेक डील पर नागपंचमी की सेल लगी हुई है, लेटेस्ट केचली ढूंढ रहा हूँ। यहाँ घर में मनी नहीं है, मैं बूंद बूंद करके दूध बचा रही हूँ। केचली मैंने एक साल से नई नई खरीदी और तुम शॉपिंग कर रहे हो, तुम्हें हमारे बिल की कोई परवाह ही नहीं है। यार मैं ये जो सब कर रहा हूँ ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, इस बिल के लिए कर रहा हूँ, नाग कुमारी के लिए कर रहा हूँ। नाग कुमारी, तुम्हें पता है तुम्हारी नाग कुमारी क्या गुल खिला रही है? है? उसी पिंकू नागराज के साथ लिपटना शुरू कर दिया उसने। वही पिंकू नाग जिसका फन हमेशा खड़ा रहता है। हाँ, जैसे तुम बिल से निकलते हो ना, वो भी बिल से निकल जाती है, ये कहकर कि मैं बीन क्लासेस में जा रही हूँ, पर जाती है नागराज के बिल में। तुम्हारी पूंछ के नीचे से निकलती जा रही है तुम्हारी सपोली। तुम्हें सब कैसे पता? उसकी स्नेक बुक की प्रोफाइल में देखा था मैंने। इतना मना करने के बाद भी उस नागराज पिंकू से मिल रही है। सपोली, सपोली! जी पापा। ओली सत श्री अकाल। आवी ब्रजेश कुमार नवे का घर यही है? नहीं, उनके बाप का घर है। है जी, क्या कहा? मैं कह रहा था कि उन्हीं का घर है, कोई काम था क्या? ओजी क्या है जी, मैं ना उनका वो कमरा देखने के लिए आया हूँ, और मेरे को वो उनकी वाइफ के साथ बातचीत हुई थी। जी नमस्ते पाजी, मेरी से बात हुई थी आपकी। आपको खरबंदा जी ने भेजा है ना? हाँ जी, हाँ जी, वो खरबंदा जी जो है ना वो मेरे पिंड के है, उन्होंने बताया था कि आपका कमरा खाली है। नहीं 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 नहीं, अचानक भर गया। जो रात बरसात आई थी जो भर गया, वो भाई साहब अगर भर गया था तो पहले बताना चाहिए था ना आपको। अरे पाजी, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? ये ना बड़े मजाकिया किस्म के हैं, आपने इनकी बातों का बुरा मत मानिए। ओ, बुरा तो इन्होंने मानना, अगर एक बार हमने मजाक कर दिया करूं मजाक। नहीं 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 नहीं, अरे इसके साथ मैं मजाक नहीं कर पाया हूँ आज तक। लग ही रहा भाई साहब, लग रहा है। अच्छा एक बात बताइए, नॉनवेज तो नहीं खाते हैं ना? कैसा सवाल पूछ लिया पंजाबी से। ओ, पंजाबियों को तीन चीज बड़ी पसंद होती है, ओ, एक तो ओपन जीप, ओ, दूजा परोंठे के ऊपर लगे होया चीज, और तीजा लेग पीस। इतना बड़ा लेग पीस किसका होता है? डायनासोर का खाते हैं क्या? अच्छा एक काम करो, पहले ना वो कमरा बताओ मेरे को। पहले आप आईडी बताओ मेरे को। भाई साहब देखो, वो आईडी कार्ड जो है ना वो मेरी फैमिली के पास है, तो जब वो आएंगे तो लेते आएंगे, और तब तक तो मेरे को यहाँ पे अकेले ही रहना है। अकेले रहेंगे आप यहाँ पे? हाँ जी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, हम कभी सम्मेलन में रहेंगे? ये इधर एक दो मुक्तक सुना दिए तो हम कहीं लायक नहीं रहेंगे, तुम यहाँ नहीं रहोगे भाई साहब। अरे अच्छा है ना, अब ये आ गए, मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा, और आप ना आराम से दो चार शो और करके आइएगा। दिमाग खराब, हमारे घर में खुद शो चल रहा है, हम किसी और शो में थोड़ी रहेंगे। नहीं 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 जाएगा, नहीं जाएगा, ये ना यही रहेंगे। नहीं जाएगा, पैसों की जरूरत है। निकालो 10,000 रुपया भाई। और इन्होंने तो 5,000 बोला था। इनको 10,000 बोलना नहीं आता है ना? इन्होंने 5,000 दो बार बोला होगा। ओए ओ किवे का बंदा है भाई तू, है इतना झूठ, पहले 5,000 बोलते हो फिर 10,000, कल कहोगे मेरा नाम गोनी सिंह नहीं है, परसों कहोगे जनानी आपकी नहीं है, और हमारे पास कमरा पहले नहीं है, लेके कहां को मिलेंगे? मैं जा रहा हूं। हां सुनो सुनो, यही तो हम चाहते थे। ओए नौतरीक, अरे पाजी पाजी बस बस करो ना, उनको स्टेशन छोड़ के आ जाओ ना तुम। अरे यार तुमको क्यों किराया रखना है? मैं घर पे बहुत बोर होती हूँ। बोर होती हो? मैंने कुछ ऐसा इंतजाम करके जाता हूँ कि तुम्हारी बोरियत दूर हो जाएगी। क्या इंतजाम? अब 8-9 महीने का टाइम लगेगा, दूर हो जाएगी। चलो। कहाँ से? डायरेक्ट पंजाब से आए हैं? हाँ जी, लुधियाना से। ये होता है सच्चा पंजाबी, 10 रुपए के पेन के लिए 2,000 किलोमीटर दूर मुंबई आ गया भाई। बाबा का आपको प्रणाम है भाई, आपकी जय हो। सत्यकाल बाबा जी। बोलो सोशल बाबा की। सुंदर नहीं, चाबी वाला बंदर लग रहा है। बाबा जी मेरे साथ पंगा नहीं लेना। है? आपको पता नहीं मैं एक दिन बहुत बड़ा पंजाबी सिंगर बनूंगा। बहुत बड़ा तो तू भूल जा, बाकी रही सिंगर की बात वो भी भूल जा, क्योंकि खेत बेचने पड़ते हैं उसके लिए भाई। हाँ है हमारे खेत गांव में। गमले में फूल उगाने को खेती नहीं कहते भाई। बाबा जी एक मिनट,
भैया राइटर कौन होगा? अरे मैं खुद लिखूंगा, बहुत अच्छा लिखता हूँ मैं। बाथरूम में अंदर गंदी गंदी बात है लेकिन इसको राइटिंग नहीं कहते। बाबा जी मेरा भाई ऐसा वैसा काम नहीं करेगा, देखना वो एक दिन बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। सिंगर बनना है, पैसा कमाना है, अभी बता देते हैं तुम्हें, ये गाना बाहर जाकर देखना कितना पैसा आएगा। ये कौन सा गाना बाबा जी? तुम्हें ये गाना है बस, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे। बेसुरा भी गाओगे तो भी चलेगा, रिकवरी गारंटी है। जाओ जाओ बाबा जी, मैं नहीं भीख मांगता, आप खुद मांगो जाकर। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, रोज दरबार में मत आया कर भाई, तुझे देखकर भक्तों का विश्वास उठ रहा है हम पे। वो कह रहे हैं ये गधे को इंसान नहीं बना पाया, हमारा क्या होगा। बाबा जी मेरे भाई को सिंगर बना दीजिए ना। अच्छा तुम कहती हो, ऐसा करो इसको पंजाब भेज दो, एक साल वहाँ रहेगा, पानी पी के सिंगर बन जाएगा वहाँ का। अरे वाह बाबा जी, क्या पंजाबी विचार है। वो तो अभी देंगे। तो भक्तों पंजाबी वो होता है जो बॉर्डर पे खड़ा होके खून बहाता है ताकि हर हिंदुस्तानी घर में बैठ के सो पाए। पंजाबी वो होता है जो खेतों में पसीना बहाता है ताकि हर हिंदुस्तानी का पेट भर पाए। और पंजाबी वो होता है जो इसीलिए अपना मजाक उड़वा लेता है ताकि दुनिया हंस पाए। भाई एक थॉट आया है, बहुत कभी कभी आता है मेरे में। आ, सुना दे भाई। उसे नहीं पता कितने की है कुर्सी, कितने की है मेज। वावा, वावा। उसे नहीं पता कितने की है कुर्सी, कितने की मेज। हर छोटी बात को समझता है सनसनीखेज। नहीं पढ़ पाता अखबार का एक पेज, तो समझो भैया उसका खराब है जनरल नॉलेज। क्योंकि देखो इंसान का जनरल नॉलेज ठीक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि कश्मीर में और बीबी में क्या समानता है। भाई दोनों समस्याएं हैं, और पड़ोसी नजर रखे तो बहुत बुरा लगता है। अच्छा मेरी जो वाइफ है ना, सच में उसका जनरल बहुत वीक है। एक दिन मैंने उसको कहा कि सुनो जाने मन, मैं जा रहा हूँ जरा इनकम टैक्स रिटर्न के लिए। बोली इनकम टैक्स रिटर्न, इसका फर्स्ट पार्ट कब आया था? कई लोगों की जनरल नॉलेज बहुत खराब होती है। मेरा एक दोस्त ना दुकान पे तेल लेने गया कविराज, तो तेल लेके कहता इसके साथ वाला गिफ्ट तो दे दो। कहता भाई साहब इसके साथ कोई गिफ्ट फ्री नहीं है। कहता आप मेरे को उल्लू बना रहे हो, इसके ऊपर लिखा हुआ है कोलेस्ट्रॉल फ्री। कविराज कुछ लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, फिल्में देखकर अपना जीके बढ़ाते हैं। मेरे दोस्त का बेटा है, मैंने उससे पूछा कि बेटे बता कि अपना देश कब आजाद हुआ था। बोला अंकल अंकल जब आमिर खान ने 6 छक्के मारे तब अपना देश आजाद हुआ था। अब बताओ बेचारे को ये नहीं पता। अच्छा तुमसे पूछ रहे, तुम क्या जवाब देते? मैं यही जवाब दूंगा जो तुम दोगे। ये तो हो वाली बात है। अरे ब्रिजेश जी, हाँ? सुनते हैं अपने ना मोहल्ले में एक एनजीओ वाली लड़की जनरल नॉलेज का कंपटीशन करा रही है, और जीतने वाले को पूरे 50,000 रुपए का प्राइज मनी मिलने वाला है। क्या बात कर रही हो जानिए मन। समझो ये 50,000 हमारा। हेलो, ये यार पति पत्नी के रोमांस में कौन लड़की बीच में आई है? प्लीज हाथ छोड़िए मेरा। सर आपने पकड़ा है। सॉरी सर, मैं अपने एनजीओ की तरफ से आपका जीके का टेस्ट लेने आई हूँ। बेस्ट ऑफ लक। चल भाग। तुमने पिछली बार हमको जुए में 20 रुपए हरवा दिया था। बिस्मिल्लाह। ओए हाय क्या एनर्जी है, क्या ऊर्जा है, क्या फुर्ती है। बैठिए। आप रेडी हैं सर? मैं बहुत ज्यादा रेडी हूँ। तो आपका पहला सवाल है कि अकबर के दरबार में सबसे ज्यादा अकलमंद कौन था? अकबर के दरबार में, अरे तुम्हारे चक्कर में खड़ा हो रहा हूँ, बैठो तुम। अकबर के, अकबर खुद। अरे वाह सर, बिल्कुल गलत जवाब। कैसे गलत जवाब? सर अकबर के दरबार में सबसे अकलमंद था बिरबल। एक मिनट, सवाल पूछने वाला बड़ा होता है कि जवाब देने वाला? सवाल पूछने वाला। तो अकबर सवाल पूछता था और बिरबल जवाब देते थे, तो अकबर इज द राइट आंसर। शायद आप सही कह रहे हैं। अरे ब्रजेश जी, I'm proud of you. Oh my God. ये कंपटीशन आप दोनों जीत चुके हैं। Yes, 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 yes.
राशि तुम्हारे अंडा हो गया। 50,000 का चेक आपका हुआ। 50,000। अच्छा सुनिए ना, आप एक काम करिए, चेक चेक ना बाद में कैश कराते रहिए, मुझे डेबिट कार्ड दीजिए, मुझे शॉपिंग करनी है। अरे डेबिट कार्ड की ऐसी तैसी, जल्दी जल्दी ये लो तुम डेबिट कार्ड, जाओ तुम शॉपिंग करो। बाय, मैं जा रही हूं। बाय। सर जी, समोसे और तीखी चटनी। निकल जाए, निकल जाए। खाइए, खाइए। नहीं सर, मैं डाइट पर हूँ। सर मैं ले लूँ एक। अगला सवाल है आपके लिए कि डॉन को कितने मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है? 11 मुल्कों की। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ रश्मि जी, हाँ अब आपको क्या करना है? आपको मुझे किस करना है? सर राइट में या लेफ्ट में? वाह, ऑप्शन भी है। किधर आपका दिल करे उधर के लीजिए। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर, ये मैं भी कर सकता हूँ सर। नहीं नहीं भाई, तुमसे करवाने का हमारा दिल नहीं कर रहा है। सर कर सकता हूँ। कर सकते हो? जी सर। चलो कर लो फिर। जी सर। सर लेग साइड में करूँ कि राइट साइड में? इधर कर लो, इधर। मेरा जी के बहुत स्ट्रॉन्ग है। सुन, लात को लेग कहते हैं, हाथ को हैंड करते हैं, बीट को पीटना कहते हैं और इसे घसीटना कहते हैं। घसीटना कहते हैं। एक मिनट। रश्मि, किसी की लड़ाई नहीं देखनी चाहिए, आप चलो। जीके मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। अबे मामा के बच्चे, तू यहाँ क्या कर रहा है? वही जो आपसे नहीं हो रहा था। ये देखो आजकल के बच्चे डायपर से बाहर आते नहीं, औकात से बाहर तुरंत आ जाते हैं। अबे सुन, तेरी 2 दिन की छुट्टी हुई, चल जाके पढ़ाई कर। सीधा सीधा बोलो ना, आपको मेरे से सिक्योरिटी हो रही है। क्या हो रही है? वही जो आप समझ रहे हैं। अब तू आ गया है तो मेरे साथ बोलना सबको, आप सबको मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस बोलो। मामा ने बोला है, कोई इज्जत नहीं, देखो किसने नहीं बोला। अच्छा त्योहार चल रहे हैं, मतलब छुट्टियों का मौसम चल रहा है। देखिए छुट्टियां बहुत जरूरी है, कई लोग अलग अलग तरीके से छुट्टी मनाते हैं। कुछ लोग छुट्टी में बाहर घूमने एंजॉय करने जाते हैं, जैसे शिमला जाते हैं, मसूरी जाते हैं, और कुछ लोग सिर्फ सो के छुट्टियां मनाते हैं। और जिनकी नींद पूरी नहीं होती वो दूसरे की बीवियों की नींद खराब करते हैं। एक मिनट, बीवी हस्बैंड, तेरी शादी हुई है क्या? नहीं, मैंने मना कर दिया। भाई ये छुट्टियों की बातें थी, और एक लड़का है जिसने नाक में दम कर रखा, मेरे दिल दिमाग की छुट्टी कर दी है, मेरे घर पहुंचा है, पता नहीं क्या हालात होंगे। चलिए देखते हैं पति पत्नी और भांजे की तकरार। दिमाग खराब करके रखा है लौंडों ने आजकल हमारा। क्यों जी, मैंने चिंटू को आपके पास भेजा था, आपने उसे उल्टा मेरे पास भेज दिया, वो भी ये कह के मेरे पास बैट बॉल है। अरे तो मैं क्या करता, मेरा कार्यक्रम खराब कर रहा था, मेरा पूरा चरस कर दिया था वहाँ पे। तो कोई और बहाना लगाना था ना, घर में बैट बॉल क्या, पैसे तक नहीं है आपके जेब में, वो तो कहीं आपकी रद्दी बेच दी उसके बैट बॉल लेने के लिए। ये अच्छा, कौन सी रद्दी? वही जो इतने सारे कागज वगैरह पड़े हुए थे। अरे दिमाग, हैव यू टोटली लॉस्ट इट, वो मेरी रचनाएं हैं। हाँ एक ही बात है। और एक बात बताओ, उस शैतान को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? अरे छोटा बच्चा है बेचारा, उसकी छुट्टियाँ चल रही है, और आप भी तो हमेशा बच्चा बच्चा करते हैं ना, अब जब यहाँ पे आ गया है तो क्यों चिल्ला रहे? अरे तो मुझे बच्चा चाहिए था, वो बाप है। पागल कर दिया है उसने मुझे। गैजेट, सॉरी सॉरी, आपको लगी तो नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, मैं लकड़ी का बना हूँ ना, सागवान का, मुझे लगती कहाँ है। अच्छा फिर मारू? मैं मारना तो मुंह ना फोड़ दूँ तुम्हारा। सॉरी सॉरी, आप एक काम करिए ना, बैट बॉल खेलिए, मैं जरा किचन में हो गया हूँ। हाँ चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बोल, बेस्ट ऑफ लक बोल रही हूँ तुमको? वो मुझे नहीं, आपको बोल रही है। अच्छा जी हाँ। अच्छा सुन, तुम मत जाओ, मैं अकेला घबरा जाऊंगा मैं, प्लीज। पत्नी का धर्म होता है पति जब मुसीबत में है तो साथ दे। अच्छा ये तो है, खेल लीजिए। अरे 1600 मार करवा दो सब। अरे मैं जा रही हूं, मुझे बहुत सारा काम है। अब वक्त हो चला है सोशल मीडिया के चटपटे चुटकुले का, तो सुनाते हैं। ये जो है आज, हाँ इलाहाबाद के लंठई ग्रुप में आया है, तुम ही एडमिन हो गए ससुर। ये सब घर पे करके आया करो ना, यहाँ क्यों करते हो?
समंदर किनारे एक बार लड़का लड़की बैठे थे। लड़की ने लड़के से कहा, सुनो तुम मुझे कब तक प्यार करोगे? लड़के ने अपने आंख से एक आंसू निकाला, समंदर में फेंक दिया और बोला, जब तक तुम इस आंसू के बूंद को ढूंढ के लाओगी तब तक। समंदर ने बोला, सालों इतना हरामखोरी सीखते कहां से हो। अच्छा अब जो है शांत रहें क्योंकि आपका नेटवर्क अगर कवरेज क्षेत्र से बाहर है तो वो नेटवर्क में आ जाएगा। अगर आपके मन में सवाल है तो उसका समाधान आएगा। अगर आपकी आंखों में दोष है तो ट्रेंडी आ रहे हैं, उनको देख के ठीक हो जाएंगे। तो जोरदार तालियों से स्वागत किया जा रहा है हमारे सोशल बाबा। बोलो सोशल बाबा की। अरे वाह, आज तो बड़े छोटे छोटे सवाल आए हैं भाई। नेटवर्क कैसा है? बाबा जी मुझे हॉलिडे के लिए छुट्टी चाहिए। छुट्टी दे देंगे, पहले ये बताओ कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? क्योंकि उसने उसकी सैलरी नहीं दी थी ना, इसलिए कटप्पा ने उसको मार डाला। बाबा जी सेंटा क्लॉज आया है। हाँ तो मुझे भी दिख रहा है, खली नहीं है वो। ये पहली बार देख रहे हैं भी, क्लॉज क्लॉज आ गया, सेंटा आया ही नहीं। बाबा जी सेंटा क्लॉज के साथ मजाक नहीं करते। डोंट वरी सन, डोंट वरी, आई डोंट फील जोक ऑन मी। तो मैं यहाँ पे सबको गिफ्ट देने आया हूँ, तुम बताओ बेटा तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? वाह भाई संता सिंह जी, मेरी पहली इच्छा पूछते तो मैं बोलता कि इसके भाई से छुटकारा दिला दो, अब आखिरी पूछी है तो हम दोनों की शादी करवा दो। कोई बात नहीं, उस हसीना के लिए तो हमने लड़का देख रखा है, तुम्हारे लिए हसीना अभी प्रकट कर देते हैं। बाबा बाबा को मूर्ख बनाने आए थे, विचार दे देते हैं। चलो भक्तों आज का, भक्तों आम इंसान 6 दिन काम करने के बाद संडे को हॉलीडे मनाता है। एक अक्षय कुमार है जो हॉलीडे में काम करके लाखों कमाता है। लेकिन बाबा को तो त्योहार वाले हॉलीडे पसंद है क्योंकि उस दिन जम के लंगर खाता है।